हेलो दोस्तों, कुक विद स्मिता में आपका स्वागत है। हमारे होममेड केक क्लास सीरीज के सातवें क्लास में आज हम देखेंगे कि घर पर बहुत ही आसानी से ब्लैक फॉरेस्ट केक कैसे बनाते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर केक है, तो ये केक की रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम केक स्पॉन्ज को सोक करने के लिए चेरी सिरप बनाएंगे। ट्रेडिशनल ब्लैक फॉरेस्ट केक में हमें चेरी सिरप का यूज़ करना होता है। उसके लिए हम 1/2 कप पानी लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर डालेंगे। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून चेरी डालेंगे। चेरीज को ऐसे चॉप करके डालें। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। उसके बाद हम लेंगे चॉकलेट केक स्पॉन्ज। आप सबको पता ही होगा कि हमने पहले की क्लास में 2 अलग अलग तरह से केक स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। चॉकलेट केक प्रीमिक्स कैसे बनाते हैं और प्रीमिक्स का यूज करके केक स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आपको उन सारे वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वो वीडियो भी जरूर से देख लें। अब हम केक के लेयर्स कट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम कटिंग नाइफ से मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद लेयर कट करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है केक की लेयर्स कट करने का। इससे केक की बहुत ही आसानी से परफेक्ट लेयर कट हो जाती है। केक को 3 लेयर्स में कट करेंगे। आप देख सकते हो कि केक की कितनी अच्छी लेयर्स कट हुई है, यानी कि हमारा केक स्पॉन्ज बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। अब हमने जो चेरी सिरप बनाया था उसे छान लेंगे। सिरप का यूज केक स्पॉन्ज को सोक करने में होगा और जो चेरीज छान ली है उसे हम केक की सभी लेयर्स में डालेंगे। अब हम केक की आइसिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम केक बेस पर थोड़ी क्रीम लगाएंगे, जिससे केक आइसिंग करते वक्त हिलेगा नहीं, एक ही जगह रहेगा। उसके बाद इस पर केक की फर्स्ट लेयर रखेंगे। उसके बाद हमने जो चेरी सिरप बनाया था उससे केक स्पॉन्ज को सोक करेंगे। अब इस पर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। परफेक्ट तरीके से केक की आइसिंग के लिए क्रीम कैसे व्हिप करें और व्हिपिंग क्रीम रिलेटेड बहुत सी जानकारी मैंने आप सबके साथ हमारे पहले होममेड केक क्लास में शेयर करी थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लें। अब क्रीम को पैलेट नैप की हेल्प से अच्छे से केक पर स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद इस पर चॉप चेरीज डालेंगे। अब हम इस पर केक की दूसरी लेयर रखेंगे। फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। अब तीसरी केक लेयर रखेंगे, उसे भी चेरी सिरप से सोक करेंगे। उसके बाद इस पर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। पाइपिंग बैग से क्रीम लगाने से क्रीम एक समान लगती है और आइसिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। केक की साइड्स में भी क्रीम लगाएंगे। अब पैलेट नाइफ से क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे। पहले हम सिर्फ क्रम कोटिंग करेंगे।
अब केक को सेट होने के लिए 20 मिनट फ्रीज में रखेंगे। केक सेट हो रहा है, तब तक हम केक को डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट गार्निश बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ बटर पेपर लिया है। चॉकलेट गार्निश बनाने के लिए चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट कर ले। मैंने यहाँ चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट मेल्ट करके उसे थोड़ा ठंडा कर ले, उसके बाद ही इससे गार्निशिंग बनाएं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चॉकलेट को स्पून की हेल्प से बटर पेपर पर डालें। अब जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह पैलेट नाइफ से चॉकलेट को थोड़ा स्प्रेड कर ले। केक की जितनी हाइट हो उस हिसाब से गार्निश बनाए। इसे बनाने की और एक ट्रिक भी है। उसके लिए चॉकलेट को स्पून से बटर पेपर पर डालें और तुरंत उसी स्पून से थोड़ा स्प्रेड कर लें। इसी तरह सारी गार्निशिंग बना लें। उसके बाद इसे सेट होने के लिए 15-20 मिनट फ्रीज में रख दें। मैंने यहाँ दो बैच में गार्निशिंग बनाई है, इसे भी फ्रीज में रख लेते हैं। 15 मिनट के बाद ये गार्निश सेट हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। इसे बहुत ही सावधानी से निकालें। गर्मी के कारण चॉकलेट जल्दी से मेल्ट हो जाती है, इसलिए इसे निकाल कर वापस थोड़ी देर फ्रीज में रख दें। अब हमारा केक भी सेट हो गया है। इसके ऊपर और एक बार व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। पहले हमने क्रम कोटिंग करी थी, उसकी वजह से अब आइसिंग करते वक्त केक के क्रम्स नहीं निकलेंगे और केक की आइसिंग भी बहुत ही अच्छे से होगी। पैलेट नाइफ से क्रीम स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद केक के साइड में भी स्मूथर की हेल्प से आइसिंग करेंगे। इससे केक के साइड की बहुत ही जल्दी से फिनिशिंग हो जाती है। अब ऊपर की जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे भी बड़े वाले पैलेट नाइफ से रिमूव करके केक की फिनिशिंग करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो, नया नया केक बनाना सीख रहे हो और आपको केक बनाने के लिए किन किन सामान की आवश्यकता होगी इस बारे में कंफ्यूज हो, तो मैंने हमारे 5वें केक क्लास में केक बनाने के लिए किन किन सामान की जरूरत होती है वो दिखाया था और आपको शुरुआत में क्या क्या सामान लगेगा वो भी उस क्लास में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लें। ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब हम केक डेकोरेट करेंगे। इसके लिए हमने जो चॉकलेट गार्निश बनाई है उसे केक की साइड्स में लगाएंगे। जिस तरह मैं लगा रही हूँ उसी तरह गार्निश को पास पास में लगाना है। उसके बाद आप केक के ऊपर फ्लावर्स बनाएंगे। अब इन फ्लावर्स पर चेरी लगाएंगे।
अब हम केक के सेंटर में डार्क चॉकलेट कंपाउंड को चॉप करके डालेंगे। चॉकलेट को थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं। हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर रेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप भी घर पर ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपका केक कैसा बना। अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे आपके लिए और ऐसे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। और आप नेक्स्ट कौन सा केक सीखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे वो भी हमारे होममेड केक क्लास अटेंड करके रेसिपी सीख सकेंगे। हमारे होममेड केक क्लास सीरीज के पहले क्लास में हमने केक की आइसिंग के लिए परफेक्ट तरीके से क्रीम व्हिप कैसे करते हैं वो सिखाया था। उसके बाद के दूसरे क्लास में हमने घर के सामान का यूज करके केक स्पंज कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। तीसरे होममेड केक क्लास में हमने घर पर बहुत ही आसानी से जनरल केक प्रीमिक्स कैसे बनाते हैं और उसका यूज करके केक स्पंज कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। उसके बाद के चौथे क्लास में हमने घर पर बहुत ही आसानी से चॉकलेट केक प्रीमिक्स कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। पांचवें क्लास में हमने केक बनाने के लिए जरूरी सामान, उसका यूज और प्राइस, इन सब के बारे में डिटेल में बताया था। और छठे केक क्लास में हमने घर पर बहुत ही आसानी से परफेक्ट व्हाइट फॉरेस्ट केक कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। अगर आप भी पहले से हमारे सारे होममेड केक क्लास अटेंड करना चाहते हो तो आपको ये सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से ये सारे वीडियो देख सकते हो।